हेलो फ्रेंड्स, यह है रियलमी बड एयर 2 जो कि बहुत सारे फीचर के साथ आता है। 2 घंटे चार्ज कीजिए, 25 घंटे का प्लेबैक टाइम मिलता है। फ्लिपकार्ट पे ये मिलता है 3299 रुपये का, जहाँ पे इसे 4.2 स्टार का रेटिंग मिला है। इसको देखने में काफ़ी ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ आता है। डब्बे में साथ में आपको मैनुअल और USB चार्ज करने के लिए मिल जाएगा। मैनुअल को हम लोग साइड में रखते हैं। ये है हमारा मेन आइटम प्रोडक्ट। ये साइड में आपको बटन दिख रहा होगा, इस बटन को प्रेस करके हम पेयरिंग वगैरह करते हैं। तो पूरे ईयरपॉड में और इसमें एक ही बटन है ये। साथ ही साथ नीचे USB-C टाइप का केबल है और काफ़ी यूनिक फीचर्स के साथ आता है ये, एडवांस फीचर्स। गेमिंग वालों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा, गेमिंग वाले इसको पसंद करते हैं क्योंकि इसमें गेमिंग का अलग से साउंड फीचर है। यहाँ पे इसका माइक है जो कि नॉइज़ कैंसिलेशन टेक्नोलॉजी के साथ आता है। इसमें मैग्नेटिक है, अंदर डालो लॉक हो जाता है अपने आप। ये नीचे की साइड में ये चार्जिंग के लिए है। तो ये पूरा जो है सेट, इसमें 3 बैटरी होती है, 2 ईयरफोन में और एक ये केसिंग के अंदर। बड़ी बैटरी जो है वो केसिंग के अंदर होती है, छोटी छोटी 2 बैटरी वो हमारे ईयरफोन में होती है जो छोटा सा। साउंड क्वालिटी वाइज ये मैंने पहले इसको यूज किया है, ठीक है, तो साउंड क्वालिटी वाइज ये बहुत अच्छा है। नॉइज़ कैंसिलेशन भी इसका बहुत अच्छा है। दोस्तों, सबसे मस्त फीचर इसका है जो ये वियर डिटेक्शन है। आप पहनोगे उतारोगे तो ये डिटेक्ट कर लेता है। साथ ही साथ इसमें बहुत सारे टच जेस्चर हैं, आप एक बार टच करो, 2 बार टच करो तो ये उस हिसाब से रिस्पॉन्स करता है इसका जो फीचर है। चार्ज करने के लिए दोस्तों, बहुत सारे मेरे कमेंट बॉक्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि इसको कैसे चार्ज करें, कौन से अडैप्टर से, फास्ट चार्जिंग से चार्ज हुआ कि नहीं। तो मैं बता दूं दोस्तों, फास्ट चार्जिंग, स्लो चार्जिंग, कोई भी चार्जिंग 5 वोल्ट का किसी भी अडैप्टर से इसको चार्ज कर सकते हैं। आपका बिल्कुल चार्ज होगा ये, क्योंकि 5 वोल्ट पर चार्ज होने के लिए बना हुआ है। और ये जो है केसिंग, इसको चार्ज करने में लगभग 2 घंटे लगेंगे। उसके बाद आप ईयरफोन को इसमें डालिए, ईयरफोन भी चार्ज होगा। ईयरफोन जब यूज कीजिए, ख़त्म होगा, फिर से इसको केसिंग में डाल दीजिए, आप कहीं आउटर में है तो। ऐसे करके आपको ये 25 घंटे तक आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने सैमसंग के 25 वाट फास्ट चार्जर से चार्ज कर रहा हूँ, उससे भी चार्ज होगा। मैं आपको अलग अलग चार्जर से चार्ज करके दिखाऊँगा, हर एक चार्जर से चार्ज होगा, चाहे वो फास्ट चार्जर हो या टर्बो चार्जर हो या कोई भी चार्जर हो, डार्ट चार्जर हो, किसी भी चार्जर से चार्ज हो जाएगा सब, क्योंकि सबका आउटपुट इनिशियली 5 वोल्ट ही होता है और इसको 5 वोल्ट चाहिए चार्ज करने के लिए। इसमें 460 mAh की बैटरी मिलती है जो कि बड़े केसिंग में है, और साथ में 2 छोटी छोटी बैटरी इसके दोनों ईयरफोन में मिलती है, राइट और लेफ्ट में। फ्रेंड्स, अभी मैं इसको देखो, आप बिल्कुल, ये तो नया फास्ट चार्जर हो गया। अब इसको स्लो चार्जर से चार्ज करके दिखाता हूँ। कोई भी चार्जर से आप चार्ज कीजिए, वो 2 घंटे में ही चार्ज होगा, क्योंकि इसमें कोई सिंगल टेक्नोलॉजी के साथ आता है। ये बहुत ही माइनर करंट के साथ चार्ज होती है। आप 1 एम्पियर से भी नीचे के जो है अडैप्टर, उसको भी यूज कर सकते हैं। 10 साल पहले जो आता था 0.5 एम्पियर, 500 mA का अडैप्टर आता था करंट, वो भी यूज कर सकते हैं। तो हर एक, कोई सा भी यूज कीजिए, वो आपको 2 घंटे में बैटरी चार्ज होगा बिल्कुल आराम से। कोई इसमें फास्ट चार्जर का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इसमें फास्ट चार्जिंग ऑलरेडी है नॉर्मल अडैप्टर पे। बहुत छोटी बैटरी आती है, इसलिए इसको कोई ज़्यादा ये नहीं है कि एडवांस चार्जर देना पड़ेगा। आप किसी भी चार्जर से चार्ज कीजिए। देखिए, मैं सैमसंग का बहुत पुराने चार्जर से चार्ज कर रहा हूँ, इससे भी चार्ज हो रहा है। अभी मैं आपको, देखो, रियलमी का ये 2 एम्पियर का चार्जर है, ये भी, इससे भी चार्ज कर सकते हैं। तो आप किसी भी चार्जर से चार्ज कीजिए, वो चार्ज हो जाएगा। अल्टीमेटली 5 वोल्ट अडैप्टर होना चाहिए। फ्रेंड्स, ये IPX5 रेटिंग के साथ आता है, जो कि इसको माइल्ड वाटर रेजिस्टेंस बनाता है। जैसे कि आप बारिश में भींग गए या पानी के छींटे इस पर पड़ गए, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। बाकी इसको पानी में अंदर आप नहीं डुबा सकते हैं। इस पूरे, इसका वेट जो है वो मात्र 42 ग्राम का वेट है, 42 ग्राम्स। और अगर आप इसको
ओपन करते हैं तो ये इसमें देखिए नीचे निकालने पर आपको दो नीचे दोनों में दो दो पॉइंट मिलेगा, जिससे कि ये इसको ऐसे लगाने पे ये जाके वहाँ कॉन्टेक्ट में टच हो जाता है और इससे ये चार्ज हो जाता है। इसके अंदर जो इंटरनल बैटरी है बड़े वाले केसिंग में, उस बैटरी से ये चार्ज हो जाता है। और फ्रेंड्स इसको आप यूज करने के लिए इसके सारे फीचर को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं रियलमी लिंक ऐप से। रियलमी लिंक ऐप है जिसमें रियलमी का बहुत सारा डिवाइस कनेक्ट हो जाता है। इसमें जाएंगे आपको तो इस ईयरफोन का ऑप्शन आ जाएगा कनेक्ट करने के लिए। अगर आप इसको कनेक्ट करेंगे तो देखिए इसमें आप जेस्चर कंट्रोल को चेंज कर सकते हैं कि सिंगल टच में क्या वर्क करेगा, डबल टच में क्या वर्क करेगा, टच एंड होल्ड में क्या वर्क करेगा, गेमिंग मोड ऑन करने के लिए, और भी सारा बहुत सारा फीचर आप इसमें ला सकते हैं। वॉल्यूम एनहांसर आप ओपन करेंगे बहुत सारे फीचर मिल जाएंगे और रियली में ये सारे फीचर ऐसे वर्क करते हैं। अब लास्ट में बात करते हैं कि ये जो है अपने प्राइस के हिसाब से कैसा है। तो प्राइस के हिसाब से ये काफ़ी मतलब कि एक्सपेंसिव है ना, बहुत ज़्यादा हैवी प्राइस है। अगर आप इसको कंपेयर करें क्वालिटी वाइज तो ये वन प्लस का जो बास एडिशन है उस वो 2100 रुपये का आता है। ये लगभग उसके बराबर मिलता जुलता सारा साउंड क्वालिटी और नॉइज़ कैंसलेशन वगैरह है। सो फ्रेंड्स मेरा रिव्यू ये आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।